महाशिवरात्रि के बाद फागुन मास में रंगों का त्यौहार होली मनाई जाएगी। होली का त्यौहार चैत महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। जानना चाहते हैं कि इस साल होली कब है तो बता दें कि होली का त्यौहार 18 मार्च 2022 को मनाया जाएगा। ज्यादातर जगहों पर होली 2 दिनों तक मनाई जाती है। होली के पहले दिन होलिका दहन होता है। होलिका दहन 17 मार्च को होगा। इस दिन होलिका की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं दूसरे दिन पूरे जोश उत्साह के साथ रंग अबीर वाली होली मनाई जाती है। बता दें कि होली से 8 दिन पहले होलाष्ट लग जाता है, यानी इस साल 10 मार्च 2022 से होलाष्ट लगेगा। होलाष्ट के दिन कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य जैसे विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते हैं। होली से पहले होलिका पूजा को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि नियम के बारे में आपको जानकारी देते हैं। बता दें कि एक लोटा जल, गाय के गोबर से बनी माला, अक्षत, गंध, पुष्प, माला, रोली, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल, गेहूं की बालियां, इन सभी चीजों से आप पूजा करने की तैयारी को शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही इन सभी पूजन सामग्री को एक थाली में रख ले, साथ में जल का लोटा भी रखे। पूजा स्थल पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाए। उसके बाद पूजा थाली पर और अपने आप पानी छिड़के और ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु मंत्र का 3 बार जप करें। अब अपने दाएं हाथ में जल, चावल, फूल और एक सिक्का लेकर संकल्प करें। फिर दाहिने हाथ में फूल और चावल लेकर गणेश जी का स्मरण करें। गणेश पूजा के बाद देवी अंबिका का स्मरण करें। मंत्र का जाप करते हुए फूल पर रोली और चावल लगाकर देवी अंबिका को सुगंध सहित अर्पित करें। इसके बाद भगवान नरसिंह का स्मरण करें। मंत्र का जप करते हुए फूल पर रोली और चावल लगाकर भगवान नरसिंह को अर्पित करें। इसके बाद अब भक्त प्रहलाद का स्मरण करें। फूल पर रोली और चावल लगाकर भक्त प्रहलाद को चढ़ाएं। अब होलिका के आगे खड़े हो जाएं और अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। होलिका में चावल, धूप, फूल, मूंग दाल, हल्दी के टुकड़े, नारियल और गाय के गोबर से बनी माला, जिसे बड़कुला या गुलाड़ी भी कहते हैं, होलिका में अर्पित करें। अब होलिका की परिक्रमा करते हुए उसके चारों ओर कच्चे सूत की 3, 5 या 7 फेरे बांधें। इसके बाद होलिका के ढेर के सामने लोटे के जल को पूरा अर्पित करें। इसके बाद होलिका दहन किया जाता है। लोग होलिका के चक्कर लगाते हैं, जिसके बाद बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। लोग होलिका की परिक्रमा करते हुए और अलाव में नई फसल चढ़ाते हैं और भूनते हैं। भुने हुए अनाज को होलिका प्रसाद के रूप में खाया जाता है। तो ये थी होलिका दहन में पूजा करने की विधि और साथ ही साथ किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है, ये भी हमने आपको अपने इस वीडियो में बताया है। ऐसे में होली का त्यौहार 18 मार्च 2022 को मनाया जाएगा और होली का दहन 17 मार्च को होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।